तो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अनौरा, सो लोगों का स्वागत है हमारे वैरेंट गेमर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ आप लोग लेकर कोई नहीं धमाकेदार दासू वाली वीडियो लेके गाइस। तो गाइस सबसे पहले आज इस वीडियो में हम करने वाले क्लिस स्क्वाड रैंक पुश करने वाले। तो स्क्वाड रैंक पुश करने वाला है, जो नया सीजन आया उसकी रैंक पुश करने वाले। और गाइस सबसे पहले तो तुमको गाइस मेरे को जो झटका मिला ना, मतलब आज जो झटका मिला, मतलब कल जो मेरे को जो झटका मिला ना, वो मैं बताता हूँ आपको क्या मिला। देखो मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ। प्रोफाइल में तुम लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं सीएस रैंक में मैं प्लेटिनम थर्ड पे था और बीआर रैंक में था मैं हीरोइक पे था। हीरोइक पे था मेरे 3300 कुछ ऐसे ही पॉइंट थे मेरे बीआर रैंक। अब देख सकते हो भाई मैं कितने पे हूं, ब्रॉन्ज सेकंड पे, और भी मैं कल तक तो ब्रॉन्ज फर्स्ट पे था, 1000 पॉइंट थे सिंपल जैसे शुरू में आते। और सीएस रैंक में भी मैं ब्रॉन्ज फर्स्ट पे ही था, उसमें भी एक भी स्टार नहीं लगा हुआ था। ये फ्री फायर के गाइज, ये फ्री फायर के सस्ते नशे हैं गाइज। मतलब फ्री फायर अपने प्लेयर्स के साथ ऐसा कर रहा है भाई, ऐसा बोलता है कि तुम हैकर के साथ। भाई मैं एक भी हैकर के साथ नहीं खेला तब भी मेरी रैंक माइनस करी गई, इसलिए मैं भाई इतना भयंकर गुस्सा आया था कल। इसको मैं सोच रहा था भाई फ्री फायर को छोड़ दो, पर क्या काम है भाई, मतलब छोड़ नहीं सकते यार फ्री फायर यार, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो गाइज है ना, अब मैंने कल जाके थोड़ी बहुत रैंक पुश करी, तब जाके मैं सीएस रैंक में मतलब सीएस रैंक में मैं प्लेटिनम सेकंड पे आ पाया हूं। तो आज मैं और रैंक पुश करने वाला हूं है ना। बीआर रैंक में तो मैं अभी ब्रॉन्ज पे हूं, उसके देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना। नया सीजन आएगा तो नए सीजन में करेंगे। तो गाइस बहुत ही ज्यादा शानदार वाली वीडियो होने वाली, इस वीडियो में हम रैंक पुश करने वाले। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर से जरूर वॉच करना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर दो इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए। तो बिना किसी फालतू बकवास के हम अपनी वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ चालू करते हैं। तो कैसे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं भाई। मतलब बंदे भी भाई, मतलब शुरू शुरू में जब मैंने रैंक पुश करी थी ना, मतलब ब्रॉन्ज से लेके मैं प्लेटिनम फ्लू तक आया था ना भाई, इतने नूबड़े बंदे आ रहे। मैं एक एक मैच में 18-20 किल कर रहा हूँ भाई सीएस रैंक पे। कभी सोचा नहीं था कि भाई 18-20 किल भी करेंगे, 5-6 हजार का डैमेज देंगे वो भी सीएस रैंक के अंदर भाई। पर ऐसा मैंने भाई ऐसा मैंने फील करा, पर मजे बहुत आते हैं भाई नूबड़े बंदों को मारने में यार। इस बार भी जहाँ तक नूबड़े आए, ज्यादा प्रो तो आए नहीं, चलो ये भी नूबड़े ही लगते, नूबड़े ही रहे मेरे को कोई बात नहीं। मर जा भाई मर जा। एक बंदा साइड में जा रहा है, मतलब इतनी दूर जा रहा है भाई, पागल वागल हो गया इतनी दूर बेटा। हम भाई तुम्हारे मतलब समझो, फीलिंग्स तो समझो हमारी। ये बंदा ये पागल भाई नूबड़ा है भाई, इस बार भी नूबड़ा है। तुम सोचो भाई क्या उम्मीद कर सकते हो प्लेटिनम 2 के बंदे से, क्या उम्मीद कर सकते हो उसके साथ भाई, नूबड़े आएंगे और क्या आएंगे भाई यार। तुम सोच रहे हो भाई ग्रैंड मास्टर प्लेयर आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। मेरे गेम में तो एक बार भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर आया ही नहीं, बहुत कम आता है मेरा, बहुत कम है ना। और गाइस अब इधर की साइड चलते हैं, इधर की साइड मेरा एक या फिर 2 किलो एक बंदा पीछे की साइड है, पीछे की साइड है ये वाला यार। ये तो अरे इसको तो मैंने डैमेज दिया था ना, अरे भाई किल चुरा लिया यार। किल चोर तो सालो तुम किल चुराते हो, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है भाई किल चुराने की। रैंडम बंदे जो है किल चुराते हैं, रैंडम की बात नहीं भाई, मतलब टीम के साथ भी खेलते हैं ना वो भी किल चुराते ही है भाई, मतलब इनका मतलब अलग ही सीन चलता है। और मेरे ज्यादा चुराओ में आते पता नहीं किल क्यों है ना। और मैंने ले लिया थॉमसन के साथ भाई, हम अपन बचा देगा तब भाई, क्योंकि थॉमसन मेरी मतलब पुरानी मतलब सबसे पहले मेरी थॉमसन ही फेवरेट गन थी। अभी के टाइम पे तो मेरी है ना UMP और MP5 है, ये दो गन मेरी शॉर्ट रेंज में फेवरेट है। बीच में शॉटगन भी थी, पर शॉटगन मैंने चलाना बंद कर दिया, मतलब जब स्किन नहीं थी ना मेरे पास शॉटगन की, जब स्किन नहीं थी तब मैं भाई इतनी शॉटगन चलाता था, मेरे को सबसे फेवरेट शॉटगन ही लगती थी। और अब जैसे स्किन आई मेरे पास, मैंने शॉटगन चलाना ही बंद कर दिया भाई। मतलब इसे कहते हैं भाई एटीट्यूड, आई एम एटीट्यूड के। कल या फिर परसों शॉर्ट भी डाली थी ना कुछ दिनों पहले है ना। अब गाइस इधर की साइड ये रहा बंदा, आजा मर जा मर जा मर जा भाई। अरे डैमेज लगा बहुत ज़्यादा डैमेज, थोड़ा सा बचा है बस, 2-3 गोली और पड़ेगी ना जिसमें चल जाएगा ये बंदा है ना। किधर साइड है बाकी के बंदे है ना, बंदे एक तो भाई मतलब रैंडम मतलब ऐसे नूबड़े बंदों के साथ आते हैं ना रैंडमली नूबड़े बंदे भाई, ये छुप छुप के इतना खेलते हुए इतना खेलते हैं। बंदा पहले गाइस बंदे मार लेते हैं, चलो एक डाउन इसको पूरा खत्म करूंगा मैं भाई, मतलब रिवाइव होने में टाइम लगता। ओ कौन मार रहा कौन मार रहा, ग्लू लग गया, बच गया भाई, बच गया मैं, बच गया। मेडिकेट मार लेते जल्दी से, फिर चलेंगे आगे भाई, इसको रिवाइव भी कर देंगे अपने दोस्त, इसको रिवाइव भी कर देंगे। फिर उसके बाद भाई तुम्हारा भाई मचा देगा धमाल, मतलब इतना बुरा मारूंगा सबको भाई, मतलब मैं इतनी देर से रैंक पुश कर रहा हूँ, बीच में भाई मैं 2-3 बार तो मतलब हार गया, तो इतना बुरा मतलब इतना भयंकर दिमाग खराब हुआ था मेरा, मतलब इतनी मेहनत से। तो मैं भाई मतलब हीरो पेन पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि तुम्हारे लिए भाई बहुत लोगों के लिए आसान है ना, मेरे लिए तो भाई बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाता है मेरे को पहुंचने, क्योंकि भाई मैं डूब रहा हूँ यार मतलब। और फिर अब तुम बोलोगे भाई कभी कहता नूबड़ा, कभी कहता प्रो भाई तू है क्या एक जगह, तो कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो। इधर भाई ग्लू लगा रखा है, शायद इधर बंदा है, मेरे को थोड़ी बहुत आवाज़ भी सुनाई दे रही है फुटस्टेप की, क्या पता हमारे टीममेट वो रहा ऊपर ऊपर छत पे बैठा। बेटा बेटा रुक जा, आ जा ऊपर ही आ गया मैं, ऊपर ही आ गया, रुक जा भाई, मर जा मर जा मर जा मर जा। एक हेड लगे, एक और हेड लगा, ओपी ब्रो ओपी भाई, लगातार 99 में हेड लगे और एक गोली 12 फिर ऐसे कुछ लगी। इमोर दिखाने में भाई जो मजा है ना
ये जो मजा है ना गाइस इमोट दिखाने का, ये मजा मैं हर एक हिंदुस्तानी को देना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ मैं, है ना। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर ही देना भाई यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देखता हूँ तुम मेरी वीडियो भी देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे तो लगते नहीं तुम्हारे भाई सब्सक्राइब करने में जो तुम सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे 3 किल से ऊपर वाले बंदे के 4 किल गाइस, मेरे को जहाँ तक से मतलब कोशिश पूरी करनी है कि मेरे ज़्यादा किलो, मैं सबसे ऊपर की साइड हूँ, मैं नीचे की साइड ना हो। तो गाइस मतलब अगर मैं ऊपर आ जाता हूँ तो तुमको मतलब इस वीडियो को पाँच लोगों तक शेयर करनी है, अगर मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ तो हर 5 जनों को शेयर करनी है, और नहीं आ पाता हूँ तो 10 जनों को करनी है। ओके ठीक है, कर ही देना भाई, है ना। इधर की साइड चलते हैं, चलो बंदा किधर की साइड है, इधर भी बंदा नहीं है, इधर बंदा नहीं है, चलो इधर की साइड से घूम के चलते हैं ऊपर की साइड, क्या पता कहाँ इधर मेरे पीछे की साइड वाली उस पर छत पे है ना, किधर की साइड है बंदा, ये रहा। अच्छा बेटा अच्छा, अरे भाई साहब ऊपर जाएगी ऊपर, आज भाई मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, पीछे तो देख ले भाई। ओ ओ ओ कैली पहली पी पे क्या क्या बुलाओ मारा भाई, ये मरने वाली, मैं मर जाऊँ मैं नहीं मर जाऊँ भाई, अकेला बंदा बचाओ यार। ये बंदे भाई सुनते नहीं है मेरे, एक तो मैं इतना बोलता हूँ कि भाई साथ में आ जाओ, दो दो बंदे आगे, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं नहीं बच रहा भाई, दो दो बंदे आगे कैसे निकलूँ। ले भाई साहब ये गया, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी तो भाई ऑल राउंड बाकी है, अभी तो भाई हम देख रहे भाई तुम्हारा भाई क्या करता है ना। अब चलो 2 राउंड, 1 राउंड सामने वाले बंदे जीत चुके और 2 राउंड हम जीत चुके, और मैंने ले ली शॉटगन, और शॉटगन देख सकते हो मैं तुम्हारे भाई का मूवमेंट, देखो भाई ड्रैगो के भी सामने भाई मेरे साथ क्या शूट उतरे थे जब ड्रैगो AK और AK-47 की आई थी ना, ड्रैगो AK और ये वाली M10 है ना, ये आई थी, जब भी मैंने निकालने की कोशिश करी ना हमेशा हमारे यहाँ पे नेट बंद हो जाता था, मतलब कोई आंदोलन की वजह से नेट बंद हो जाता, जो उस वजह से मैं भाई ना AK निकाल पाया ना M10 निकाल पाया, ये दोनों स्किन में निकाल नहीं पाया, जिस इनकी वजह से मैंने डायमंड भाई रखे भी थे, मेंबरशिप ली थी और डायमंड में लगाए भी, पर लास्ट स्पिन में हमेशा मतलब हमेशा भाई नेट बंद हो जाता था, तो भाई इतना बुरा लगता था, मतलब कि मेरी किस्मत में था क्या भाई, ये मेरी किस्मत में था ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं भाई वो करने। ओ भाई बंदे ने ऊपर से मार दिया, फालतू बात है, बाद में पहले 1 मिनट मार दिया, और भाई मैं पीछे जाऊँगा, पीछे से मारूंगा, साले तूने मेरे को मारा ना, रुक जा भाई रुक जा। ओ ये देखो ये नूबड़ी देखो भाई, देख रहे तो नूबड़े भाई, क्या मर क्यों नहीं रही, कि 500 की LC क्या, ये मर जाए, चलो भाई ये भी डाउन, इसको पूरा खत्म करूंगा, बाय चांस कोई रिवाइव कर दे मैं आउट हो जाऊँ तो मेरा किल तो कंफर्म होगा कम से कम, है ना। चलो किल कंफर्म हो गया, इधर से नहीं जा सकते, जोन आ रहा है, इधर से अंदर की साइड चलते फिर ऊपर की साइड निकलेंगे गाइस, है ना, कोई भी नहीं है, ये रहा बंदा ये रहा मर जा, ये भी खत्म, तू भी खत्म, चलो ये भी हो चुका है ना। अब मैं इधर की साइड से ऊपर जाने वाला हूँ गाइस, है ना, अब ऊपर जाने वाले, इधर से इधर की साइड जोन भी आ रहा है, ऊपर ही बंदे जहाँ तक गए, ऊपर ही बंदे, ये रहा बगल में ये जहाँ तक बगल में, ये रहा भाई, ओ भाई पीछे तो देख ले भाई, पर क्या बंदे पे विक्ट्री होगी, हमारे 3 मैच जीत चुके हैं गाइस हम, है ना, बुइया भी होने वाला है जल्द ही बुइया होने वाला है, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस बुइया होने में, अब वो घड़ी नज़दीक है जिसके लिए हम सालों से तड़प रहे हैं, वो घड़ी नजदीक है, एक MP40 ले ली गाइस, क्योंकि MP40 बहुत शानदार गन है, और ये नेड कहाँ से आ रखे भाई मेरे पास, मेरे को नेड अच्छे नहीं लगते, मैं नेड ही चला नहीं आता भाई, मेरे को अच्छे लगते हैं क्या, नेड ही नहीं चलते मेरे से, तो ना नेड चलते हैं ना, है ना, मेरे से फार्मस चलती है ना, स्पास 12 चलती है ना ही मेरे से, मतलब वो चलती है क्या है, ये चार्ज बूस्टर चलती है ये, और ना ही AWM स्नाइपर चलती है मेरे से, स्नाइपर मैं जहाँ तक मैं AM2 भी थोड़ी बहुत चला लेता हूँ सही से, पर मेरे से भाई मतलब होता नहीं इतना सही से, मेरे से खिलाओ में आता नहीं, मतलब इनको लेके जो मेरा आपको बता रहा है इनको लेके भाई मेरे से खिलाओ में नहीं आता, कस्टम में भाई मैं पहले बोल देता हूँ, कस्टम कहता हूँ भाई ये गन तू बिल्कुल मत ले सामने वाले बंदे से, ये गन मतलब मत ले लेना, क्योंकि मैं इन बंदे को मतलब सामने वाले बंदे मारते भी ना इस गन से तो भी मैं नहीं संभाल पाता, साथ में मैं खुद भी नहीं मार पाता उस गन से, मतलब ये सिस्टम मेरे से मतलब समझ नहीं आता कुछ भी। अरे भाई कैसा ग्लू लगाया, बंदा तो निकल जाए, कि मेरा आलोक मोटा हो गया जहाँ तक मोटा हो गया, किधर से ये रहा इसको पूरा खत्म कर, कहाँ से पड़ रही है भाई वो देखो सामने, अरे भाई यार क्या नूबड़े बंदे हो बे तुम, मेरे को पता तुम नूबड़े हो, क्यों दिखा रहे हो भाई तुम अपने नूबड़े बंदे, मत दिखाओ, वो डाउन होने वाला है, चलो ये बंदा भी डाउन, अरे आसमान का देख रहा है ये, रहो साइड में बंदा ग्लू लग जा, अरे ग्लू लग जा भाई, कभी कभी तो कैंसिल हो जाता भाई, मतलब इतना बड़ा डर लगता, चलो डबल किल भाई साहब, बुई हो गया हमारा भाई,
पता नहीं चला कब बुई होगा। अरे नूबड़ बंदे के साथ मतलब रेंडमली नूबड़ा आ जाते हैं ना, पता नहीं चलता भाई कब बुई हो जाता है। तो गाइस बहुत ही वाला शानदार मैच गया और कितनी जल्दी बुई हो गया। हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, उसको दबाओ, साथ ही साथ चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट भी कर दो भाई, है ना, क्या जाता है कमेंट में कर दिया करो यार। और इस वीडियो को जल्द से जल्द लोगों तक शेयर करो और देखेंगे गाइस मतलब सीएस रैंक में तो मैंने थोड़ी बहुत पुश कर ली है ना, थोड़ी बहुत। तो प्लेटिनम 2 पे तो हूं मैं और प्लेटिनम 2 पे हूं और मैं बीआर रैंक की कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाया तो अगला सीजन आएगा उसमें पुश करेंगे और उसमें हीरो एक लगाएंगे फिर से, तो यही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के धमाके के साथ।